साथियों, अभी खबर मिली है कि हमारे हरियाणा के साथी गुरनाम सिंह चडूनी जी को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने रात 12 बजे से पीलीभीत में गिरफ्तार किया हुआ है। उनके साथियों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी जी की लोकेशन और उनको कहां रखा गया है गिरफ्तार करके, ये भी अभी तक पता नहीं चल रहा है। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों को, अपनी यूनियन के सभी पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को ये गुजारिश करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि सावधान रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में यदि हमारे किसान साथियों को, हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा और प्रशासन इस तानाशाही पर रहेगा कि बार बार गिरफ्तारी करेगा लेकिन उनको रिहाई नहीं करता है, तो हम सड़कों पर होंगे और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। दूसरी बात, मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि गुरनाम सिंह चडूनी जी को जल्द से जल्द रिहा करें, क्योंकि अब लखीमपुर में जब राजनीतिक दल के लोग पहुंच रहे हैं और सभी लोगों को आपने सबकी सभी दल के प्रतिनिधि मंडल को पहुंचने की अनुमति दी है, तो गुरनाम सिंह चडूनी जी से आपको कौन सा खतरा है पहले तो प्रशासन ये बताए, और गुरनाम सिंह चडूनी जी को किस अपराध में आपने गिरफ्तार किया हुआ है ये बताएं। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं और ये चेतावनी भी है प्रशासन को कि प्रशासन गुरनाम सिंह चडूनी जी को जल्द से जल्द रिहा करे। अभी यह भी खबर मिली है कि रात 12 बजे से उनके साथियों को पीलीभीत में जहां पर रखा गया, ना उनको खाने का कोई व्यवस्था की गई, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी और बहुत ही गंदी जगह रखा गया और उनको मानसिक टॉर्चर भी किया गया। ये बताना चाहता हूं कि प्रशासन इस तानाशाही रवैये को खत्म करे और किसान के ऊपर जुल्म करना बंद करे। यदि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन इसी तरह से किसान के ऊपर जुल्म करेगा तो किसान मजबूर होगा और अपने हक की आवाज को और मजबूत करेगा। कहीं ऐसा ना हो, सरकार हमको मजबूर ना करे, संयुक्त किसान मोर्चे को मजबूर ना करे कड़े फैसले लेने के लिए, और यदि कोई कड़ा फैसला लिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, उसकी जवाबदेही सरकार की होगी। इसलिए सरकार जल्द से जल्द गुरनाम सिंह चडूनी जी को रिहा करे। साथी हैं सिमरन सिंह चिंसा, जिनको पीलीभीत पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और अभी आए हैं। अभी आपको एक सूचना देना चाहते हैं और बताएंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ था। साथियों नमस्कार। साथियों, हमें पीलीभीत पुलिस ने करीब 12 रात को 12 बजे के करीब हमें पकड़ा था, तो उसके बाद हमें 10 से 12 घंटे रखा गया और सुबह से 4 बजे से लेकर शाम के अभी 6 बज गए हैं, और गुरनाम सिंह चडूनी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी अभी तक? आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आगे? देखिए, अभी सिमरन सदमे में है, इसको बहुत रात को परेशान किया गया है, तो हमारी यूपी प्रशासन खास करके पीलीभीत से उनको चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी गुरनाम सिंह चडूनी जी की लोकेशन और उनके वेयर अबाउट हमको बताए जाएं और उनको रिलीज किया जाए। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ कर सकते हैं तो आप हमारे किसान नेता को नहीं रोक सकते। मैं फिर कह रहा चाह रहा हूँ कि आप प्लीज भी कह रहा हूँ, चेतावनी भी दे रहा हूँ और प्लीज भी कह रहा हूँ कि माहौल खराब ना हो, उनको छोड़ दिया जाए। चारों का संस्कार हो गया है, अब इससे ज्यादा कोई आपको खतरा नहीं हो सकता है। तो मेरी बेनती है आप उनको जल्द से जल्द ट्रेस आउट कीजिए और हमारे को हैंड ओवर कीजिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।